क्यों मुश्किलों में साथ देते हैं दोस्त, क्यों गम को बांट लेते हैं दोस्त। ना ही रिश्ता खून का और ना ही रिवाज से बंधा, फिर भी जिंदगी भर साथ देते हैं दोस्त। हैप्पी फ्रेंडशिप डे दोस्तों। आज जैसा कि सबको पता है फ्रेंडशिप डे है, और माता पिता और हमारे गुरुओं के बाद जो स्थान आता है वो दोस्तों का ही आता है। और दोस्तों के बिना ज़िंदगी कितनी बोरिंग लगती है, क्योंकि दोस्त ही होते हैं जिनसे उनसे हम अपनी मन की हर बात शेयर करते हैं और हर अपने गम की बात उनको बताते हैं। दोस्त भी ऐसे होते हैं कि एक दूसरे की बात को समझते हैं। और ये फ्रेंडशिप डे आज का नहीं, बहुत पुरानी परंपरा का चला हुआ आया है, क्योंकि किशन और सुदामा की जैसे कि दोस्ती की सब मिसाल देते हैं। जो एक जब हम पैदा होते हैं तो हम बहुत सारे रिश्तों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन एक दोस्ती ऐसा रिश्ता है जो कि हम उसको खुद बनाते हैं और खुद चुनते हैं। और दोस्ती जो है वो एक दिल का रिश्ता होता है, वो हमारी एक केमिस्ट्री बनती है, क्योंकि हम एक दूसरे की भावना को समझते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्ती हमें बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ाते हैं। और इसी बात पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, तब की सबने बहुत बार सुनी है किशन और सुदामा की, और हमें उनकी ही एक मिसाल लेके आगे चलना है। जैसे किशन भगवान जी थे और वो द्वारिकापुरी के बहुत बड़े राजा थे, और उनके पास सब कुछ था, और उनके एक तरफ दोस्त बहुत ही गरीब, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, उनके बच्चे भी भूखे ही सो जाते थे। तो एक दिन पत्नी बहुत परेशान हो जाती है, पत्नी बहुत परेशान होती है तो सुदामा से कहते हैं कि आप हमेशा बहुत कहते हो कि द्वारिकापुरी के जो श्री किशन भगवान है वो आपके दोस्त हैं, तो क्यों ना आप उनके पास जाओ, तो शायद हमारी कुछ समस्या का समाधान निकल जाए। क्योंकि मेरे को तो भूखा सहन हो जाता है, लेकिन मैं अपने बच्चों का जो भूख होती है वो सहन नहीं कर पाती। तो सुदामा अपनी पत्नी की बात मान लेते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसकी पत्नी बोलती है कि कभी भी दोस्त से मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाते। तो उसके पास कुछ भी नहीं होता, तो वो एक पोटली में थोड़े कच्चे चावल उनको बांध के दे देती है। तो सुदामा जी द्वारिकापुरी के लिए निकल जाते हैं, और वो मन में अनेक विचार अनेक सोच करके जाते हैं कि पता नहीं वो मेरे से कैसे मिलेंगे, उनके ना पैरों में चप्पल होती है, कांटों से भर जाते हैं उनके पैर। सोचते विचार करते वो द्वारिकापुरी पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो उनके द्वार पे जो सैनिक खड़े होते हैं उनको वो बोलते हैं कि मुझे श्री किशन जी से मिलना है। तो वो कहते हैं कि आप कौन हो? तो वो कहता है कि मैं श्री कृष्ण का दोस्त हूँ और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो वो जाते हैं अंदर और वहाँ पे उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे आपको कोई मिलने आया है, वो आपको अपना मित्र बता रहा है। तो जैसे ही किशन भगवान सुनते हैं, उनके तो सिर पे मुकुट भी नहीं होता, वो भी नंगे पैर भागते हुए चले जाते हैं। तो जितने भी वहाँ पे लोग थे उस वक्त देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त उनका वो राजा नहीं थे, उस वक्त वो एक मित्र थे, वो अमीरी गरीबी का रिश्ता बिल्कुल नहीं था। तो वो उनसे गले मिलते हैं और उनको बड़े सत्कार के साथ रथ बुलवाते हैं और उनको अंदर लेके जाते हैं, और उनके बहुत आवाभगत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनके पैर धोते हैं और उनको अच्छी चप्पल भी देते हैं। तो फिर वो सुदामा जी जाने को होते हैं तो वो उनसे कुछ हिम्मत नहीं होती कि वो उनसे कुछ मांगे, और ऐसे ही वो चले जाते हैं। और किशन भगवान उनको दूर तक छोड़ने भी जाते हैं तो सुदामा के मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि हाय मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा, कैसे कहूंगा कि मैं उनसे कुछ मांग नहीं पाया। और ऐसे करके वो बेचारे चुप करके जाते जाते हैं। जब वो अपने गांव पहुंचते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे झोपड़ी भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं। फिर वहाँ पे एक महल खड़ा हुआ होता है, तो वो अपनी पत्नी तक को भी नहीं पहचानते। तो वो जब उनकी पत्नी उन्हें स्वामी कह के बुलाती है तो वो बताते हैं कि देखो किशन भगवान ने, आपके दोस्त ने आपके आने से पहले हमारे को कितना धनवान बना दिया। तो ये मित्रता जो थी ये दोस्ती गरीबी की नहीं थी, ये कितनी पुरानी परंपरा से चली आ रही है। तो इसीलिए हमें भी इस कहानी से एक सीख लेनी चाहिए कि जो दोस्ती होती है उसमें उम्र का कोई बंधन नहीं होना चाहिए, अमीरी गरीबी का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। आजकल जो इतने सुसाइडल केस हो रहे हैं कि इंसान को यदि कोई दोस्त हमारा डीमोटिवेट हो रहा है तो हमें उसको बिल्कुल मोटिवेट करके उसको लाइफ में आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हमारे दोस्तों में बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, क्योंकि कभी कॉलेज में कभी स्कूल में हमें बिल्कुल
किशन और सुदामा जैसे अपनी दोस्ती की मिसाल देनी चाहिए, क्योंकि ये बात सच्ची। एक एड में कहते हैं कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, जैसे लाइफ में हर रिश्ते जरूरी होते हैं, ऐसे एक फ्रेंड्स का होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे हम आगे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।